रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान तेज है। विपक्षी दल लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र और मोदी सरकार पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और प्रत्याशी बेरोजगारी पर रोज नए तर्क और परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। अब बीजेपी सांसद, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बीजेपी कैसे बेरोजगारी से लड़ रही है इसका एक उदाहरण पेश किया है। आजमगढ़ से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ये वीडियो फर्जी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि फेक वीडियो प्रमोट करने का ट्रेंड हो गया है। कांग्रेस वाले कोई भी देखकर समझ जाएगा कि ओट कुछ और बोल रहे हैं और जो इंसान है वो कुछ और बोल रहा है। एआई से साउंड क्लोन करके क्या साबित करना चाहते हैं चुनाव आयोग, कृपया संज्ञान ले। बच्चा है योगी जी का तो योगी जी मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का बताओ कोई? एक भी बच्चा है योगी जी का तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, दो ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और आठ गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि आठ बेरोजगार और क्यों पैदा कर?